हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र तिवारी, MDI स्कूल मिल्कीपुर की तरफ से आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, लेसन फर्स्ट इंग्लिश की, 10th क्लास के स्टूडेंट, लेसन फर्स्ट जो आप लोगों के प्रोज सेक्शन का फर्स्ट लेसन है, द एंचेंटेड पूल। इसमें आप लोगों को आज लास्ट पैसेज पढ़ाया जाएगा, कहानी का भी अंत है और आपका जो चैप्टर है आज उसका भी आखिरी पैसेज है। तो आज आप लोग इस पैसेज को ध्यान से देखिए, पूरा पीछे जो वीडियोस गई है उसमें आप लोगों को इस लेसन के पहले की कहानी भेजी जा चुकी है। आज हम आप लोगों को ये लास्ट पैसेज पढ़ाएंगे, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज आप लोगों से करवाई जाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं लेसन फर्स्ट, द एंचेंटेड पूल। कहानी में आप लोगों ने पढ़ा, जब चारों भाई जल लेने के लिए पहुंचते हैं, चारों मर जाते हैं, अंत में स्वयं युधिष्ठिर जी जाते हैं। और जब वो वहां पहुंचकर देखते हैं कि भाई चारों भाई तो हमारे जो हैं वो मरे हैं, तो वो दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो यक्ष कहते हैं कि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो और तब तुम जल पी सकते हो, उसके अलावा तुम जल नहीं पी सकते, मैं इस तालाब का मालिक हूं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि ठीक है, आप अपने प्रश्नों को पूछिए भाई, आपके जो प्रश्न है मैं उत्तर दूंगा। तो यक्ष युधिष्ठिर से अनेक प्रश्नों को पूछता है, क्या क्या प्रश्न पूछते हैं ये आप लोगों को पिछली वीडियोस में भेजी जा चुकी है। अंत में जब युधिष्ठिर जी के उत्तरों से यक्ष बहुत प्रसन्न होता है और वो कहता है ठीक है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम एक काम करो, तुम अपने चारों भाइयों में से एक को जिसको कहूं मैं जीवित कर दूं। तो यक्ष से युधिष्ठिर जी कहते हैं कि आप जो है नकुल को जीवित कर दीजिए। तो यक्ष कहते हैं कि आपने जो है चारों भाइयों में से भीम और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, वो बहुत शक्तिशाली हैं। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा है कि हम जो है मेरी माँ मतलब मेरे जो पिताजी थे उनके दो पत्नियां हैं, एक माद्री है, कुंती हैं। कुंती के तीन लड़के, यानी हम जो है युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन में से मैं युधिष्ठिर जीवित हूँ, परंतु जो माद्री हैं उनके एक भी बच्चे नहीं जीवित हैं। अगर उनके एक भी बच्चे नहीं जीवित रहेंगे तो उन्हें ज्यादा दुख होगा, इसलिए आप मेरे इन दोनों भाइयों को छोड़ दीजिए, उनके नकुल और सहदेव में से एक को जीवित कर दीजिए। ऐसा सुन करके यक्ष क्या करता है और युधिष्ठिर के क्या भाइयों को जीवित करता है, क्या नकुल को जीवित करता है, हमने कहा था आगे बताएंगे। तो आज इस पैसेज में आप लोगों को पढ़ाएंगे, समझिए और देखिए। द यक्षा, यक्ष जो है मोस्ट प्लीज्ड, बहुत ही प्रसन्न हुआ वेद युधिष्ठिरास, युधिष्ठिर की इम्पार्टिलिटी का मतलब होता है न्यायप्रियता से, युधिष्ठिर की न्यायप्रियता से यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड, और उसने परमिशन दे दी, अनुमति दे दी ऑल हिज ब्रदर्स कि उनके सभी भाइयों का कम बैक टू लाइफ, कि सभी भाइयों का लाइफ, देख सकते हैं बच्चों यहाँ लाइफ लिखा है, यहाँ सभी भाइयों का जीवन वापस आ जाए। उसके बाद अब भाई चारों भाई जीवित हो जाते हैं। फिर देखिए कौन था यक्ष कौन थे, कहां से आए थे। तो देखिए यक्ष के बारे में है, इट वॉज यमा, ये यम थे। यक्ष कौन थे? यम थे, यमराज जी थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ। स्टूडेंट, लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता थे। यमराज जी को क्या कहा जाता है? मृत्यु के देवता। परंतु आजकल लग रहा है कि अब यमराज जी का नाम चेंज करके कोरोना को मृत्यु का देवता रखना पड़ेगा नाम। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता जो है यमराज जी थे, who had taken, जिन्होंने the form of यक्ष का रूप लिया था, so might युधिष्ठिर and test him, जिससे वो युधिष्ठिर की परीक्षा ले सके और उनको देख सके, युधिष्ठिर जी को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। क्योंकि यमराज जी ने सुना था कि भाई युधिष्ठिर जो है धर्मराज हैं, धर्म से शासन करते हैं, तो हमें चलना चाहिए, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसलिए युधिष्ठिर को देखने भी आए थे, उनकी परीक्षा भी लेने आए थे, और युधिष्ठिर जी ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। और उसके बाद वो क्या करते हैं, ही ब्लेस्ड, एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर से खुश हुए एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, उनके सभी भाइयों का जीवन वापस कर दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और तब वो जो है वहां से अदृश्य हो गए, गायब हो गए। इस प्रकार कहानी का आज अंत होता है। आप लोगों ने पढ़ा कि देखा कि जो यक्ष थे युधिष्ठिर के पास आए थे, सॉरी यमराज जो थे वो युधिष्ठिर के पास आए थे यक्ष का रूप धारण करके, उन्होंने उनसे प्रश्न किए,
युधिष्ठिर ने उनके उत्तर दिए और अंत में उनके चारों भाइयों को जीवित किया और उसके बाद वो वहां से अदृश्य हो गए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो आपका फर्स्ट लेसन है इंग्लिश के प्रो सेक्शन से वो आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक बार पुनः इसकी रिवीजन आप लोग कर लीजिए। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ विद युधिष्ठिरास इंपार्टिलिटी, युधिष्ठिर की न्यायप्रियता से, एंड ग्रांटेड और उसने अनुमति दी दैट कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, क्योंकि सभी भाइयों का जीवन वापस आ जाए। इट वाज यमा, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, यमराज जी थे जो यक्ष बनकर आए थे, लॉर्ड ऑफ डेथ थे, मृत्यु के देवता थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था, एंड सो ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जिससे युधिष्ठिर को देख सके और उनका टेस्ट ले सके, ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने युधिष्ठिर जी को आशीर्वाद दिया, देन ही डिसअपीयर्ड और तब वे वहां से गायब हो गए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोगों को अगला लेसन नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा, चाहे वो सप्लीमेंट्री का हुआ, चाहे वो प्रोज का हुआ, चाहे वो पोएट्री का हुआ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इस लेसन की वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और आप लोगों की एक्सरसाइज अभी इस लेसन की बची है वो एक्सरसाइज हम लोग पहले करेंगे। एक्सरसाइज आप लोगों को अगली वीडियो में भेजी जाएगी, पहले आप लोग वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज है इसकी कम्प्रीहेंशन पैसेज जो बोर्ड की परीक्षाओं में आता है, कम्प्रीहेंशन पैसेज आप लोगों को जैसे नाइन्थ में करेंगे वही कम्प्रीहेंशन पैसेज मतलब सेम तरीके से आप लोगों को टेंथ में करना है, इसीलिए आप लोग जो है एक बार इस कम्प्रीहेंशन पैसेज का यहीं पर नाइन्थ में ही क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों को अगला लेसन पढ़ाया जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तब तक के लिए सावधान रहिए, खुद स्वयं कोरोना से बचते हुए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिए, घर पे रहें, अपने स्टडी को बराबर कंटिन्यू रखें। हम, हमारा विद्यालय परिवार और हमारे सभी अध्यापक आप सभी बच्चों का पूरी तरह से सहयोग करेंगे, इसलिए आप लोग कोई भी समस्या हो तो उनको कमेंट बॉक्स में भेजिए, हमको व्हाट्सएप पर भेजिए, हम आप लोगों की हर समस्या का सॉल्विंग सॉल्यूशन निकालेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपने घर पर रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।